हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। क्लास 12th का केस स्टडी करेंगे बेस्ड ऑन मैट्रिसेस। ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए ट्रस्ट फंड हैज 35,000 इन्वेस्टेड इन टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एक्स एंड वाई। 35,000 रुपये को दो तरह के बॉन्ड्स में वो फंड जो है इन्वेस्ट करना चाहती है। फर्स्ट बॉन्ड पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा विच विल बी गिवन टू एन ओल्ड एज होम। ध्यान से पढ़ेंगे, जो फर्स्ट बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलेगा उसको ओल्ड एज होम को देना है, और सेकंड पे 8% का इंटरेस्ट मिलेगा विच विल बी गिवन टू डब्ल्यू डब्ल्यू ए। लेट ए बी ए 1:2 मैट्रिक्स, बी ए 2x2 2x1 की मैट्रिक्स, रिप्रेजेंट द इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट ऑन द बॉन्ड। तो इस इंफॉर्मेशन को हमें पहला पार्ट है रिप्रेजेंट मैट्रिक्स अलजेब्रा। एक मैट्रिक्स हमें ए लेनी है। क्वेश्चन में बोला है कि मैट्रिक्स 1:2 की होनी चाहिए, तो इसमें हम ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट। मान लेते हैं एक्स इन्वेस्टमेंट की है बॉन्ड ए में, बॉन्ड एक्स में, तो बॉन्ड वाई में कितनी होगी, 35,000 - x। तो ये तो हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट की। बी मैट्रिक्स है 2:1 की, जिसमें इंटरेस्ट गिवन है 10% एंड कितना परसेंट है देख लेते हैं ऊपर, 8%। तो इसमें 8% ये वाली मैट्रिक्स बनानी है 2:1 की। तो ये इन्वेस्टमेंट की हो गई, क्वेश्चन में गिवन है, और ये हो गई इंटरेस्ट की। तो फर्स्ट पार्ट हमारा इतना हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। If ₹15,000 invested in bond A, then find the total amount interest received in the both bond. अगर हमें bond A में X में ₹15,000 invest करने हैं, तो क्लियर सी बात है इसमें कितने करने होंगे, 20,000। तो हमें कितना bond, कितना interest मिलेगा, तो हम इन दोनों matrix की multiply करके उनका multiply कर देंगे, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। ये वाली मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है, 1:2, ये है 2x1, तो आंसर 1/5। तो मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 15,000 × 10/100 + 20,000 × 8/100, तो कितना आ गया ये, 1500 + 1600 यानी 3100 इंटरेस्ट आ गया। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया हमारा 3100। नेक्स्ट है, इफ द ट्रस्ट फंड ऑब्टेन एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट अगर मिलता है तो बताओ कि दोनों में कितने तरह का इन्वेस्टमेंट होगा। यानी हम जो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे किया था, ए इन टू बी का प्रोडक्ट करके किसके इक्वल है, 3200 के। तो यहाँ पे हम मतलब ए इन टू बी इक्वल टू 3200 पे हमें यहाँ पे गिवन है। तो इसमें एक्स ले लिया था हमने 10%, इसमें 35,000 - x पे 8%, और ये किसके इक्वल है, 3200 टोटल इंटरेस्ट। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सीधे सीधे इक्वेशन बन गई है, मैट्रिक्स हटा देते हैं हम, 10x + 100 को उधर इंटू कर लेंगे, 0 0 0, ठीक है, और -8x = 3200 × 100, ये वाला 100, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया 10x - 8x 2x, इधर कितना आ गया 32 - 28, तो कितना आ गया 40,000, तो x की वैल्यू 20,000 आ गई। तो यानी बॉन्ड x में कितना इन्वेस्ट होगा, 20,000, और y में 15,000। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका और वाला पार्ट देखते हैं।
और वाले पार्ट में उसने बोला है कि जो इंटरेस्ट ओल्ड एज होम को दिया है वो 500 है, तो बताओ कि बॉन्ड वाई में कितना इन्वेस्ट किया है। ओल्ड एज होम में हमें एक्स वाले बॉन्ड का देना था, तो एक्स का 10% यहाँ पे गिवन है 500, यानी एक्स वाले बॉन्ड से 500 इंटरेस्ट आया था, यानी 5000। तो क्वेश्चन में पूछा है इन्वेस्टमेंट बताओ इन वाई, तो उसके लिए कितना आ जाएगा, 35,000 -5,000 यानी 30,000, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैट्रिसेस का, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी केस स्टडी की 12th क्लास की, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।